अगला 18वें नंबर का वर्ड है हमारे पास डी आई जी आर ए टी आई ए, दिग्रेशिया. क्या मतलब होता है इसका? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड दिग्रेशिया. अगला शब्द आपके पास है जो आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वर्ड? ई जी. हाँ जी, जब आपको एग्जाम्पल कहीं बताना होता है तो आप क्या इस्तेमाल कर लेते हो वहां पे? ई जी वर्ड का. आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द फुल फॉर्म इज एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेसिया. ये इसका फुल फॉर्म है. हमने बचपन से हमेशा ईजी ईजी का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब क्या है वो तो आप, मतलब तो आपको खैर पता है. That is for example. For example. इसीलिए मैंने कहा कि लैटिन बहुत ज्यादा अंग्रेजी में घुसी हुई है, हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं. अब ऐसे ही आप देखो, ये वर्ड भी आपने करा हुआ नाउन की क्लास में, इरेटम. बिल्कुल वही वाला पैटर्न, यू एम को ए लगा के प्लूरल कर देना, तो ये तो सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाता है? इराटा. अब इतना अंदाजा आप भी लगा सकते हो कि भाई डबल आर लगा हुआ है तो एरर से ये शब्द जुड़ा हुआ होगा, तो बिल्कुल इसका मतलब एरर ही होता है, एरर या मिस्टेक, इराटम. और खासतौर से अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं तो ये लिस्ट ऑफ एरर्स होता है, ये लिस्ट ऑफ एरर्स होता है. जैसे जब कोई किताब, मान लो कोई किताब छपती है तो जाहिर तौर पर प्रूफ रीडिंग की जाती है, बहुत सारे बार वो चीजों से गुजरती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो किताब के पब्लिश होने के बाद फिर उसके इरेटम की लिस्ट आती है कि भाई इन इन पेजेस पे, इन इन वर्ड्स की जगह पे या इन नंबर्स की जगह पे ये लिख दिया गया जो कि गलत है, आप इसको ये पढ़ें. तो उस लिस्ट को हम इरेटम कहते हैं, स्पेसिफिक. अगला शब्द हमारे पास है जिसकी हम प्रोनंसिएशन भी बहुत गड़बड़ करते हैं, और वो शब्द क्या है? अगेन पहले शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, हम ये लिखते हैं ईटीसी. ईटीसी पूरा वर्ड क्या है? एटसेट्रा. ईटी सी ई टी ई आर ए, एटसेट्रा. एटसेट्रा क्या मतलब है इसका? द मीनिंग इज एंड द रेस्ट, यानी जितना बताया गया है उसके अलावा भी जो भी कुछ है. हम इसको बहुत सारे लोग एक्सेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा नहीं होता, एट होता है. एटसेट्रा, एटसेट्रा इज द राइट प्रोनंसिएशन. अगला शब्द है आपके पास एक्स ई एक्स एक्स कथीड्रा, कथीड्रल. अब आप देखो, अगर आपका दिमाग है तुरंत आप जोड़ लोगे कथीड्रल से, तो एक्स कथीड्रा का क्या मतलब है? किनके लिए इस्तेमाल होता है? जैसे मान लो मैं अगर एक सेंटेंस बनाऊं और फिर आपका मतलब जानूं यहां पे कि भाई माय मदर्स ओपिनियंस, माय मदर ओपिनियंस आर एक्स कथीड्रा इन माय हाउस. हां जी, माय मदर्स ओपिनियंस आर एक्स कथीड्रा इन माय हाउस. क्या सेंस निकल रहा है यहां पे? एक्स कथीड्रा का मतलब होता है अथॉरिटी. अब जैसे किसी चर्च के अंदर वो पादरी जो मतलब सबसे ऊंची जगह पे हैं, जिन्हें ये माना जाता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, उनके लिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है. तो एक्स कथीड्रा, जो अथॉरिटी के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहां पे लिखा गया कि मेरी माँ के जो विचार हैं मेरे घर में, वो एक्स कथीड्रा की तरह हैं, कि जैसे फाइनल, जिसको हम कहते हैं कि हिंदी क्या हो सकती है इसकी, आई थिंक आप लोग फीलिंग तो समझ ही रहे हो, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? पावरफुल. हाँ बिल्कुल, पावरफुल हो सकता है, लेकिन और अच्छा वर्ड आखिरी वचन है जिसको कोई बदल नहीं सकता, इस तरीके का मतलब होगा कि एक अथॉरिटी है उनकी बात में, उनकी ओपिनियन में, जो उन्होंने एक बार कह दिया वो फाइनल है, लास्ट डिसीजन. भास्कर लिख रहे हैं, बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं, इनको दिमाग में बिठाते चलेंगे हम.
अंग्रेजी भाषा के अंदर जो हमें शब्द दिखाई देते हैं ना, मतलब अगर आप उसमें से देखोगे तो लैटिन का योगदान काफ़ी है। 28% के आसपास जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से हम इस्तेमाल करते हैं। फिर भारी फ्रेंच की आती है, जर्मन की आती है, तो इन भाषाओं का योगदान बहुत है। 25-28% के करीब जो वोकैबुलरी है वो यहाँ से ली जाती है। ग्रीक भाषाओं का योगदान करीब 5-6% के बीच में है। तो 300 भाषाओं में ये भाषाएं बहुत प्रमुख तौर पे इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनका खूब अंग्रेजी में हम इस्तेमाल देखते हैं और बहुत बारी अनभिज्ञता के साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला शब्द है हमारे पास एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया कर लिया ना हमने शायद, अच्छा नहीं डी ग्रेसिया किया था ना, हाँ एक्स ग्रेसिया अमाउंट, ये भी सुनते हैं आप। क्या मतलब होता है इसका, एक्स ग्रेसिया का मतलब क्या है? फ्रॉम ग्रेस, वही बात, कृपा, कृपा राशि, कृपा धनराशि से हम कहते हैं फ्रॉम ग्रेस, या काइंडनेस कह सकते हो आप, कि मतलब सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो गया और आप उसको दयालुता दिखाते हुए, फ्रॉम काइंडनेस। जैसे आपने सुना होगा कई बारी एक्स ग्रेसिया अमाउंट होता है। अब जैसे किसी के घर में कोई एक ही काम करने वाला था, उसकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, राइट, तो एक तो सरकार जो है सरकारी तौर पर जो उसे देना हो वो तो देगी ही, बाकी एक्स ग्रेसिया अमाउंट होता है, बाकी लोग भी उसके ऊपर दया दिखाते हुए, कृपा दिखाते हुए उसे जो अमाउंट देते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्स ग्रेसिया। अगला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, ई एक्स सी यू एस ई जेड, ई एक्स सी यू एस ई जेड और उसके बाद एम ओ आई। पता है क्या है ये? ये वर्ड एक्चुअली एक्सक्यूज मी ही है, एक्सक्यूज मी जो हम बोलते हैं। लेकिन आप एक्सक्यूज मी एक तो तब बोल रहे होते हो जब आपने से मान लो कोई गलती कर दी तो मुझे माफ कर दो, एक्सक्यूज मी। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हम मान लो कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई खड़ा है तो हम उस रास्ते को, वहां उस इंसान को उस जगह से थोड़ा हटने के लिए या हमें वो थोड़ा रास्ता दे दे तो भी हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। सो आप अगर सामने वाले को हटने के लिए कह रहे हो और आप वहां पर कह रहे हो एक्सक्यूज मी, उसका क्या मतलब है कि आप उससे डिमांड कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपको रास्ता दे दे, वहां पर आप उससे माफी नहीं मांग रहे। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्सक्यूज मी, ये इसी सेंस में इस्तेमाल होता है। एक्सक्यूज मी ब्रैकेट में आप लिख लो टू आस्क फॉर समथिंग, राइट, टू आस्क फॉर समथिंग, दैट इज द एक्सक्यूज मी। पेमेंट मेड टू समबडी विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, प्रसून ने लिखा है, आपने एक्स ग्रेसिया के लिए लिखा है ना, बिल्कुल वही, तो उसी बात को मैंने समझा। मैं सीधा इसीलिए आपको रूट वर्ड से डिनोट करता हूँ। अब मैं लंबा सा उसको जो आपने लिखा है उसी को मैंने मौखिक यहाँ पे समझा दिया, तो उससे वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, इसीलिए वहाँ पे है विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। आप बस अपने कृपा, अपनी दया दृष्टि की वजह से, कृपा की वजह से उसे वो अमाउंट दे रहे हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, विनीत आई ई पे भी आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो ई पे हैं। एक्स ग्रेसिया अमाउंट फॉर फ्लड विक्टिम्स, एब्सोल्युटली। समटाइम्स दिस एक्स ग्रेसिया अमाउंट विल बी अनडिस्क्लोज, जिसे हम कहते हैं कि आपने बताया ही नहीं कि आपने कितने पैसे दिए।
कौन सा नंबर होना चाहिए यहाँ पे? 28 हो चुके हैं क्या? हाँ जी, कौन सा नंबर डालना चाहिए मुझे यहाँ पे? 24 हो गए हैं, अच्छा 25वां। चलिए अगला शब्द है आपके पास, बहुत अच्छा वर्ड, ये भी हो सकता है आपको वन वर्ड में भी मिल जाए। FLAGRANTE, flagrante delicto। मतलब क्या होता है? इन द एक्ट। अब इन द एक्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको यहां पे लिख ही देता हूं, रंगे हाथ। कहते हैं ना रंगे हाथ पकड़ना किसी को, जब वो काम कर ही रहा हो तभी पकड़ सकते हो। चलो 25-26 जो भी हो गया हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे कहा जाए He realized that he had no solid evidence against him. He realized that he had no solid evidence against him. He would have to catch the culprit, और उसके बाद लगा दो यही flagrante delicto। अब आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। उसने ये रियलाइज किया कि उसके पास उसके खिलाफ, अब जाहिर तौर पे ये ही और उस हिम में फर्क है, ये ही किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ है, या मान लो यहां पे कुछ और लिख लो ही की जगह पे, तो जा फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। डिटेक्टिव मान लो, जो डिटेक्टिव है, जो जांच करने वाला है, तो डिटेक्टिव ने यह रियलाइज किया कि उसके पास कोई भी एविडेंस, सॉलिड एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ही वुड हैव टू कैच द कल्प्रिट फ्लैग्रेंटो डेलिक्टो, तो उसे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा जब वो अपराध कर ही रहा हो। अगला शब्द आप सब जानते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, HABEAS CORPUS। हाँ जी, आप मुझे बताइए क्या होता है ये हैबियस कॉर्पस? कॉर्प का मतलब बॉडी होता है। अब रेनू ने लिखा है इन द एक्ट ऑफ क्राइम, हाँ कोई भी, अब देखो क्राइम शब्द मैंने इसलिए नहीं लिखा है ना, क्राइम वर्ड हमेशा नहीं है, मतलब क्राइम शब्द बड़ा शब्द है, क्राइम है, वाइस है, सिन है, तो क्राइम आप कानून के खिलाफ कुछ करते हो तो वो क्राइम होता है। आपने मान लो नैतिकता के आधार पर पकड़ लिया, आपका जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ठीक है अभी वो कर सकता है अगर, लेकिन आपको बुरा लगा, आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसको हम क्राइम नहीं कहेंगे। हाँ, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बहुत अच्छे प्रसून, टू हैव द बॉडी ऑफ भास्कर जितेंद्र संग्राम, सब बात बता रहे हैं। देखो कॉर्पस का मतलब बॉडी ही है, तो इसका क्या मतलब कि कोर्ट में आपको उस अपराधी को प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी फिजिकली आपको प्रेजेंट होना होगा। अ पर्सन under arrest to be brought before judge, judge के सामने
फिजिकली प्रेजेंट रहने को हम क्या कहते हैं, दैट इज हैबियस कॉर्पस विद इन 24 आवर्स टू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर जज. बिल्कुल बहुत अच्छे. और देखो आप जो परेशान थे, आप आई ई का क्या मतलब होता है उधर हम आ चुके हैं. आई ई जैसे इजी हम लिखते हैं, तो पहले तो इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है इरेस्ट. और अंग्रेजी में क्या मतलब है इसका, दैट इज इरेस्ट, दैट इज. चलिए अगला शब्द है हमारे पास इन लोको पेरेंटिस. इन लोको पेरेंटिस. अब देखो इसको भी आप अपने अंग्रेजी के हिसाब से कर सकते हैं. लोको शब्द किसके लिए आता है, लोको से ही लोकस बना हुआ है. आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, और लोकस शब्द अगेन सिंगुलर है, प्लूरल क्या होता है, LOCI. हाँ जी, तो US को आई, सिलेबस सिलेबाई, रेडियस रेडियाई, लोकस लोकाई, लोको आ गया, प्लेस की बात करता है, और पेरेंटिस पेरेंट्स की बात हो गई, तो इसका क्या मतलब हो गया, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट. कॉमन सेंस हमेशा जिंदा रखना है, हाथ नहीं खड़े करने, जितना आता है वहां से उसकी समझ को डिकोड करने की कोशिश करो, उस कोशिश को करना है आपको. जैसे आप कई बार देखते हैं कोर्ट जो है, ये सब लीगल टर्म्स हैं, कोर्ट जो है बच्चे के गार्जियन के तौर पे जब किसी और को नियुक्त करे, मान लो जो बच्चे के माँ बाप हैं वो बिल्कुल ही लापरवाह हैं, बच्चे को पैदा कर दिया बट उसे पता लग रहा है कि ये जिम्मेदारी उठाने लायक है नहीं, राइट. तो उस समय कोर्ट ने बच्चे के पेरेंट्स के तौर पे किसी और को जिम्मेदारी दे दी. तो भाई ये इन लोको पेरेंटिस यानी माता पिता की जगह पे उसको गार्जियन बना दिया किसी और इंसान को. अगला टर्म है आपके पास इन मीडियास रेस, राइट. क्या मतलब है इसका, इन द मिडिल ऑफ अ सीक्वेंस, और यू कैन से मिडिल ऑफ अ सीक्वेंस आर अकरेंसेस. अकरेंसेस यानी कोई चीज लगातार हो रही है, जैसे कोई जो है सीन जो है वो शूट हो रहा है और उसके बीच में कोई चीज बार बार हो रही, तो उसे क्या कहोगे कि उस दौरान, इन द मिडिल ऑफ दैट सीक्वेंस आर अकरेंसेस. अगला शब्द तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद आया, वेरी रूट वर्ड कराया था आपको सच्चाई के लिए, VER, और उस समय हमने ये वेरिटास वर्ड किया था कि अलग अलग भाषा के शब्द सच्चाई के लिए. इन विनो वेरिटास क्या मतलब है इसका, पहले तो बिल्कुल जो लिखा है उसी हिसाब से डिकोड कर लो, फिर समझा देता हूं आपको. इन वाइन देयर इज अ ट्रुथ, इन वाइन देयर इज अ ट्रुथ. क्या सेंस निकल के आ रहा है कि शराब के नशे में सच्चाई को उगल देना. इन विनो वेरिटास, इन वाइन देयर इज अ ट्रुथ, ये उसका सेंस निकल के आता है कि जब चढ़ जाए नशे में सच्चाई को उगल देना, इज कॉल्ड इन विनो वेरिटास. रामू स्पीडोमीटर के बारे में भी बोला है मैंने, भाई मेरे हाथ में नहीं है ना चीजें कि मैं लगा दूं, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग. अब या तो देखो इसका एक तरीका है कि पूरी तरीके से क्लासेस बंद कर दी जाए आपकी और पूरी तरीके से टीम उस पर लग जाए, तो उस पर काम चल रहा है, वो टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर होती हैं. आप हर बैच में ये बात बोल रहे होंगे, हर बैच के फैकल्टी भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जस्ट बेयर विद अस. कम से कम रेगुलर क्लासेस तो मिल रही है ना, वो तो नहीं रुकी हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ही बंद कर दी जाती हैं जब कोई टेक्निकल ग्लिच आता है. तो
चलिए नोट कर लिया आपने, शब्द आसान थे, पहला वर्ड अच्छा था। देखो बहुत सारे शब्द जो हैं वो तो मतलब इन लोकस पैरेंटिस, हैबिस कॉर्पस और फ्लैग्रेंट डेलिक्टो अच्छे शब्द हैं। फ्लैग्रेंट डेलिक्टो आपको पता चल गया, इन द एक्ट यानी ड्यूरिंग द एक्ट, रंगे हाथ जब वो काम चल रहा है तभी उसको पकड़ लेना। हैबिस कॉर्पस जो शब्द है ये किसी इंसान को, जिसको जो इंसान कौन है भाई, जो कल्प्रिट जो आरोपी है उसको जज के सामने, जैसे होता है ना कि भाई साबुत उसे लेके आओ, उसको सामने प्रस्तुत करो। आई ई जो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब दैट इज होता है, उसका फुल फॉर्म एडेस था, आज पता लग गया हमें। इन लोको पैरेंटिस जो शब्द है साफ साफ दिख रहा है, इन द प्लेस ऑफ पैरेंट, इसका भी कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया कि जब कई बार कोर्ट अपने तरफ से बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त करता है तो उस इंसान को क्या कहा जाएगा, इन लोको पैरेंटिस। इन मीडियास रेस का क्या मतलब है, इन द मिडिल ऑफ अ सीक्वेंस आर अकरेंसेज, तो जैसे कोई घटना पे घटना, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है लगातार और उसके बीच में कुछ हो तो उसके लिए हम इन मीडियास रेस इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इन विनो वेरिटास का क्या मतलब है कि शराब के नशे में अपनी प्राइवेट चीज़ों को भी पब्लिक कर देना, राइट, आप सच उगल देना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्राइवेसी है पर नशे में वो सब बाहर आपने उगल दिया। ही टोल्ड मी एवरीथिंग इन विनो वेरिटास, भास्कर कह रहे हैं बिल्कुल। लोको बता तो दिया रूपेश, लोको का मतलब प्लेस होता है, लोकस नहीं पढ़ा है मैथ्स में छठवीं सातवीं क्लास में, लोकस उसका रास्ता, यहीं से तो आता है लोको मोटिव ट्रेन मोशन, लोको यानी ट्रेन जो है एक स्थान से, लोको का मतलब प्लेस होता है, मोशन करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान, लोको मोटिव लोको मोशन। चलिए जी 30th वर्ड के बाद अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए अगला शब्द है नंबर 31 और द वर्ड इज, अब कुछ बहुत आसान शब्द, जैसे कल मैं आपको जब सिखा रहा था इंटरवर्ड का मतलब, इंटरलॉक्यूशन की बात हम कर रहे थे तो इंटर का मतलब ही होता है क्या, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, इसका मतलब क्या था, अमोंग या बिटवीन। तो जब हम इंटरलॉक्यूटर की बात कर रहे थे तो वो कौन था, बिटवीन टू पार्टीज, दो पक्षों के बीच में बातचीत को फैसिलिटेट कराने वाला। इंटर का मतलब बीच में होता है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है तो दो कॉलेज के बीच में है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है दो के बीच में है। फिर ऐसे ही ये भी शब्द आप खूब सुनते हैं और इवन हिंदी में भी सुनते हैं, कहा जाता है कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है, और इंग्लिश में आप सुनते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। हां जी, तो इंटरिम अंतरिम क्या मतलब हो जाता है, मीन वाइल इस दौरान, राइट, इन इंटरवल ऐसे समझ लो, इन इंटरवल इंटरिम। अब जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, अब अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक जिसे उस पद का कार्यभार दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, he has been elected as interim prime minister, अंतरिम फाइनल नहीं है अभी, बीच में उनके जाने और नए वाले आने के बीच में जिसे आपने बिठा दिया। और ऐसे ही शब्द आता है इंट्रा, बहुत सारे लोग इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज कर जाते हैं, इंट्रा का मतलब विद इन होता है एक्चुअली, दिस इज विद इन। अब बिटवीन और विद इन में क्या फर्क है, बिटवीन हमेशा टू एंटिटीज के बीच में होगा या अमोंग जो है वो दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में होगा, लेकिन जब आप बात करते हैं इंटर की जगह पे इंट्रा की तो वहां पे मतलब क्या आ गया कि किसी एक चीज के ही अंदर, एक के ही अंदर, विद इन, राइट, ये मतलब आ जाता है। जैसे यहां से एक फ्रेंच वर्ड है, हम बात अभी लैटिन की कर रहे हैं लेकिन आपने ये वर्ड जरूर सुना हुआ है, क्या, एंटरप्रेन्योर, फ्रेंच वर्ड, बहुत बारी स्पेलिंग एरर में पूछा गया है, तो एंटरप्रेन्योर आता है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल, और एक दूसरा वर्ड भी अब चलन में है उसको हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर। और यहां से देखो रूट वर्ड का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब तो ये वाला जो फर्क है वो एक तरीके से इंटर ही समझ लो, एंटरप्रेन्योर हम बोल रहे हैं, नीचे वाला इंट्राप्रेन्योर है, क्या मतलब है इसका,
So entrepreneur is a person who has some idea and also has the ability to implement that idea, not for the benefit of himself or herself, but society in general. And when society gets benefited, a big chunk of that benefit comes to that person who has devised and implemented that idea. Like we can take the example of Paytm founder, Mr. Sharma, or Oyo Rooms founder, Ritesh Agarwal. Dono hi bahut humble background se aane wale, aur dono ke dimag mein ek idea aaya, unhe laga ki ye idea logon ki zaruraton ko pura karega, unki jo needs hain unko bridge up karega, aur us idea ko unhone implement kiya, aur ek aisa bachcha jo graduate bhi nahi hai, Ritesh Agarwal, jo ki aata hai Odisha se, Bharat ke poorest state se, wo abhi umr unki 25-26 saal hai, wo Bharat ke arabpati hain, wo graduate bhi nahi hai, college dropout hain. और फिर मिस्टर शर्मा पेटीएम 12वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से और उसके बाद डीटीयू से इंजीनियरिंग, वो भी सिर्फ ग्रेजुएट हैं और वो भी अरबपति हैं. ये बिलियनेयर लोग हैं और ये भारतीय कहानियां हैं. इन लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो थोड़ा सा दूर देख पाते हैं, जो ये देख पाते हैं कि आने वाले समय की क्या रिक्वायरमेंट है और मैं कौन सा सर्विस या प्रोडक्ट लेके आऊं जिससे लोगों की जरूरतों को मैं पूरा कर सकूं. तो क्योंकि ये लोगों का सोचते हैं, जब लोगों का भला होगा तो इनका तो भला होगा ही, और इसीलिए भला कई गुना हो जाता है, और इसीलिए इतनी कम उम्र में इतने पैसे ये बना लेते हैं. आम आदमी अपने बारे में सोचता है, इसीलिए उसकी गाड़ी चल रही हो. ये बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में भी फर्क है. एंटरप्रेन्योर इज ड्रिवन बाय एन आइडिया, मोटिवेटेड बाय एन आइडिया, वेयर एज अ बिजनेसमैन प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी. Now, what is intrapreneur? Try to understand this term as well. Suppose you are working in a company, you are a pass out from a decent college, management or engineering college, let's say professional degree you have, and you got into a good company, you got into a good profile, and now you are coming up with some different kind of things, new things in your department, in your company, within your company. And aapne, not the company per se, but suppose aapko sales mein job mil gayi. You are an IIM Bangalore graduate and you got a job in the sales department or let's say marketing department of Hindustan Unilever Limited, HUL, right? And now you came up with a new things, very, very novel ideas, right, out there. Aur usse us department ka bahut fayda hua aur company ka bhi bahut zyada fayda hua. Use kya kaha jayega? That is called intrapreneurship, yani within your scope, within the ambit, जो आपका एरिया था वहीं पे, इसे कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप. एनीवे, इंट्राप्रेन्योर. आइए करियरविल ऐप फाउंडर विष्णु बता रहे हैं. बिल्कुल. एंड आई वाज द वेरी फर्स्ट टीचर हु स्टार्टेड विद करियरविल ऐप. पिछले साल 23 अक्टूबर को मेरे साथ सबसे पहला बैच आया था, तो उसमें पूरा विश्वास दिखाया मैंने, और उस विश्वास का नतीजा है आज के एक साल से ऊपर हो गए और इतना बड़ा स्केल हो गया. जब शुरू हुई थी मेरा पहला बैच, तब आई थिंक 10,000 के करीब 10K डाउनलोड थे, आज 7 लाख हैं विद इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर. तो ये कहाँ से आया? ये वही बात है कि हमने जो है नीड्स को ब्रिज करने की कोशिश की. इतनी कम फीस में हम लेके आते हैं कि पहले तो शुरू में बच्चों को विश्वास नहीं होता था कि अच्छा ये पढ़ाएंगे भी इतनी फीस में. आज अभी इंग्लिश स्पेशल में बच्चा कहता है सर 1,000 रुपये में इतना कुछ. आज 68th क्लास चल रही थी इंग्लिश स्पेशल 10 की, मेरे क्लोज टेस्ट के करीब जो है आई थिंक 15 के करीब सेट मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं. पैरा जंबल के करीब 65-70 क्वेश्चन कराए हैं. ये बच्चे 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार अपने शहरों में देते थे और वहाँ 6 महीने ग्रामर अंग्रेजी के नाम पर ग्रामर के रूल रटते थे. अब इतना ज्ञान है उसको बांटना भी है. तो अगर मैं उस तरह से कोर्स चलाऊं तब तो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच जो है वो 200 घंटे का जाएगा. मैंने वोकैब बनाया कि भाई जो बच्चे भूखे प्यासे हैं, जो बेहतर वोकैब सीखना चाहते हैं, वो इस बैच में आए. यहाँ 60 आवर्स की क्लासेस. अब आपको जो मैंने अभी पढ़ने का मटेरियल दिया है वो मटेरियल अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं, लेकिन आप जो नोट कहते हैं इसलिए वो दे दिया कि चलो वो जैसे 5,000 वर्ड की वो लिस्ट बहुत अच्छी लिस्ट है आपके पास, प्रीवियस ईयर दे दिया. लेकिन अब जो हम प्रैक्टिस हैंड आउट करेंगे वहाँ आपको मेरा असली रंग दिखाई देगा, जहाँ मेरे सेलेक्टेड हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको एक थॉट प्रोसेस के साथ सिखाते हैं, या यहाँ पे जो हम वर्ड्स के साथ सीख रहे हैं. तो इस प्राइस पॉइंट पे इस तरीके से, खास तौर से वो बच्चे जो रिमोट लोकेशंस में हैं, जो शहरों के पास नहीं हैं,
उनको आने में दिक्कत है, रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि आप अगर दिल्ली में आकर के 6 महीने भी प्रिपरेशन करके जाएं तो कम से कम 1,00,000 रुपए का बजट है आपका, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। शुरुआत तो ऐसे ही बच्चों से हुई थी, जब बैच लॉन्च हुआ था इसी मुखर्जी नगर में, 1.5 साल 2 साल दो दो जगह तीन तीन जगह पूरा पढ़ने के बाद भी चीज़ें गायब थी, क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि 500 की भीड़ में कुछ पूछा जाता नहीं है और वहाँ पे उतना इफेक्टिव भी नहीं होता। अब ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव है, एक तो हमारी वजह से बातचीत कुछ नहीं होगी, आप नहीं पूछेंगे, ही हाँ कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ कंटेंट पे बात होती है और बाकी जो बातें होंगी वो उसी कंटेंट से रिलेटेड होंगी जो कुछ और नया सिखा के आपको जाएंगी। तो एनीवे, तो हमने भी उसी गैप को पूरा करने की कोशिश की, बिकॉज देयर इज अ डर्थ इन क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट इज माय प्राइम मोटिवेशन एज वेल, बीइंग फ्रॉम अ कैट बैकग्राउंड वेयर आई वाज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम कंटीन्यूअसली फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स वर आल्सो वेरी पॉलिश्ड ऑफ एलीट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ऑल, IIT DTU के बच्चे। वहां से मैंने ये उठाया कि वो बच्चा जो अंग्रेजी का एक लाइन देख करके डर जाता है या अखबार में ऐसे उंगली रख के पढ़ता है, मुझे उस बच्चे को उठाना है। मैंने खुद उसके लिए बदला, अपने आप को भी, कि मैं भी बदलूंगा, उसको सिखाना है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, और इतने रिजल्ट आए उससे बड़ी खुशी हुई। कोई किसान का बच्चा है या घर में पहली जनरेशन का है जो तैयारी कर रहा है, अभी आप में से कितने लोग हैं सर ये सब वर्ड पहली बार देखे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए सब चीज़ें पहली बार हैं। उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले देखी भी हुई हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में हर तरह के बच्चे हैं, जिसको जो खाना है वो खाना यहाँ से खा सकता है। आइए, इंट्रा शब्द की चर्चा हो चुकी है। अनुज सर मैं भी दिल्ली आने की सोच रहा था, बट आपकी वजह से मैं जयपुर में रहकर बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात। I have subscribed to Unacademy Plus through I have enrolled here only for your teaching style, which is awesome. Bhaskar, Unacademy people have been approaching me for the last 1.5 years. I didn't join that forum. वही बात है ना, हमने अपना ब्रांड शुरू किया, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वो तो रोमन सैनी साहब का आइडिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल अलग था और हमारा मॉडल इसीलिए सक्सेसफुली चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, और ये आप लोगों की कृपा से चलता रहेगा, हम ऐसे ही कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे। इस चीज़ को फैलाते हुए रहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करते, आप देखते हैं बाकी कंपनियों के भरपूर ऐड आते रहते हैं, हमारे कहीं ऐड चलते हैं क्या? कहीं नहीं चलते, लेकिन हमारे ही बैचेज में सबसे ज़्यादा एडमिशन भी होते हैं, ये भी पता है। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है, कम पैसे में क्वालिटी। बच्चे को अंदाज़ा भी ना हो कितना कुछ उसे मिल जाएगा। अब तो बच्चे ये कहते हैं सर थोड़ा कम ही पढ़ाओ। अभी हमारी टीम डिस्कस कर रही थी कि सर हमने शुरू में ज़्यादा पढ़ाया है कि बच्चों को भरोसा हो कि अच्छा इस फीस में पूरा कोर्स होता है, अकेली जगह है। अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर थोड़ा कमी कर लो, इतना GS नहीं पढ़ना हमें, 50 घंटे ज्योग्राफी 60 घंटे नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री नहीं जाना इतने डिटेल में, थोड़ा सा जल्दी हो जाए। चलो जी, तो इप्सो फैक्टो साफ साफ समझ में आ रहा है, बाई द फैक्ट इट्सेल्फ, बहुत अच्छा शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, राइट? जैसे कहा जाए, मतलब एकदम फैक्चुअल तरीके से, बाय द फैक्ट इटसेल्फ का यही मतलब हुआ। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर बनाऊं कि एन एक्सट्रीमिस्ट, एन एक्सट्रीमिस्ट, और यहां डालो बड़े प्यार से इप्सो फैक्टो, एन एक्सट्रीमिस्ट इप्सो फैक्टो कांट बी अ पार्ट ऑफ कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट की बात हम करते हैं ना, तो जो एक्सट्रीमिस्ट आदमी है वो कभी भी किसी कोलिशन का पार्ट नहीं हो सकता। अब देखो कल जब चुनाव बीजेपी जो है हार गई, और आप लगातार उसके बारे में न्यूज इंग्लिश न्यूज चैनल्स पे देखिए, शब्दों को देखिए पकड़िए, तो एक शब्द बार बार कल सुना होगा आपने, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ये क्या होता है आपने पूछा अपने आप से? सुनो वहां पे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जब भी चुनाव की बात होती है ये शब्द आता है। तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मतलब कि जो पार्टी सरकार में थी, एक इन जनरल लोगों को उसके खिलाफ भाव आ जाता है, उसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंसी नाउन, उसके अगेंस्ट में एक भाव लोग वोट देना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या हुई कि बीजेपी ने वहां पर कोलिशन नहीं किया, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं नहीं अभी तो हमने 14 में से 12 सीटें जीत के गए ही हैं मई के महीने में,
जनरल इलेक्शन के दौरान, तो ये तो हम पार कर ही जाएंगे भाई। जो आपका 5 साल वाला जो चुनाव है, जनरल असेंबली का, जो लोकसभा का चुनाव है वो, और राज्य सरकारों के चुनाव अलग होते हैं, वहां पे स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो आपको कोलिशन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां के लोगों की नब्ज को समझती हैं। अगर आप उनके साथ कोलिशन करेंगे तो आपका सर्वाइवल, कांग्रेस ने कोलिशन किया, कांग्रेस का धीरे धीरे फिर से रिवाइवल होता हुआ दिख रहा है, जबकि उन्हीं के नेता एक तरीके से हाथ छोड़ते हुए दिख रहे थे। हर डिबेट में ये सुनने को मिल रहा था कि भाई हमारे देश में स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, जो कि होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन की जरूरत होती है, स्ट्रांग अपोजिशन नहीं तो वही डेमोक्रेसी फिर किधर बदल जाती है। हाँ जी, क्रेसी रूट वर्ड किया है आपने, ऑटोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, वही एक जब अंधभक्ति शुरू हो जाती तो एक लगाम होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा रिवाइवल कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, जबकि उन्होंने ही हाथ छोड़ा हुआ था अपना। तो ये बात बार बार आती है कि एक एक्सट्रीमिस्ट, अगर आप एक अडियल हैं, नहीं नहीं मैं किसी से हाथ नहीं पकड़ूंगा, किसी के साथ नहीं जाऊंगा, वो आदमी इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ वो किसी कोलिशन का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, वो अपना झंडा हमेशा बुलंद किए हुए घूम रहा है। तो इसीलिए ये इस्तेमाल यहां पे हुआ इप्सो फैक्टो का। आइए आगे बढ़ते हैं 35th। आपसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, रोशन, चलो अच्छी बात है। आई एम फैशन डिजाइनर एंड वेरी हेल्पफुल फॉर पुअर स्टूडेंट। ओके, रॉमन्स रोज, विच प्लेस डू यू बिलोंग? द नेक्स्ट वर्ड इज अगेन द मैग्नम ओपस, यस, एंड यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस वर्ड एटलीस्ट ऑन 6th of December when the movie Panipat got released. जब भी आशुतोष गोवारिकर की कोई फिल्म रिलीज होती है या हमारे संजय लीला भंसाली साहब की कोई फिल्म रिलीज होती है, तब अखबार में यह शब्द आता है मैग्नम ओपस। कितने लोगों ने देखा है भाई? बड़ा अच्छा शब्द है। देखो, मैग्ना रूट वर्ड है, कल ही हम बात कर रहे थे मैग्निलोक्वेंट की, जो बड़बोला हो, तो मैग्नम ओपस का मतलब ही होता है जो बहुत बड़ा हो। मैग्नम ओपस, बिग, ग्रेट। तो क्योंकि इनकी फिल्में जो होती हैं वो बड़े स्केल की होती है, इनका सेट बहुत बड़ा होता है, चाहे वो आपके संजय लीला भंसाली की फिल्में हों, चाहे पद्मावत या इस तरह की जो खास तौर से हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इसे कहा जाता है मैग्नम ओपस, उनकी बड़ी कृति, बड़ा शाहकार। अब इस शब्द की चर्चा कर लेते हैं, मैग्नम, आई आइसक्रीम भी बिकती है ना इस कंपनी के नाम की। देखो, ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये न्यूट्रल जेंडर आपने नाउन में पढ़ा हुआ है, 4 मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन। तो ये जो मैग्नम शब्द है हमारा, ये एक्चुअली न्यूट्रल है, यानी कॉमन कह सकते हो। इसमें मैग्नस जो शब्द है, मैग्नस, अगर कहीं मैग्नस आ जाए तो ये क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर का शब्द है, राइट। और अगर आप बात करें मैग्ना की, मैग्ना, तो ये फीमेल है, और मैग्नम जो है एक तरीके से आपका न्यूट्रल हो जाता है शब्द। तो मैग्नस और मैग्ना, मेल एंड फीमेल, मैग्नम न्यूट्रल वर्ड है। और शायद लास्ट शब्द हो आज के दिन का, द वर्ड नंबर 36। ये सब देखो वन वर्ड में भी मजेदार होंगे, आपको डायरेक्ट पेपर में मिल सकते हैं, और कितने बच्चों को ये पता ही नहीं होगा जो SSC को सिर्फ रटने वाला समझते हैं, जिनके लिए मैंने वो शीट्स दे रखी हैं। भाई हमें तो हर तरह के ऑडियंस को खाना खिलाना होता है ना, तो मैं इसीलिए पहले उन बच्चों को कि नहीं सर ने नोट नहीं दिया, नोट नहीं दिया, प्रीवियस ईयर नहीं दिया, वो तो दे ही दिया मैंने, वो तो वैसे भी अवेलेबल है हर जगह पे, बस उसको पढ़ने का तरीका हम यहाँ पे सीखते हैं कि उसे रटना ना पड़े। अब आप अपने अभी कुछ दिन और कुछ और रूट वर्ड्स हैं उनको मैं कवर कर लूँ, फिर आप अपना OWS देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो दिया है आपको मैंने प्रीवियस ईयर, 90% क्वेश्चन आपको पता होंगे उसमें से बिना रटे हुए। मोमेंट मेमोरी, रूट वर्ड के मदद से इस शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब है a reminder that you must die। हाँ जी, अब आपने कई बार सुना होगा memento, जब क्रिकेट का अवार्ड सेरेमनी चल रहा होता है मैच खत्म होने के बाद, सो memento वर्ड का इस्तेमाल होता है, यानी
वो चीज जो कि एक मेमोरी के तौर पे दी जाए, तो उसी मेमोरी से शब्द आ गया रिमाइंडर। और मौरी शब्द में हमने पहले भी चर्चा की थी, मौर का मतलब होता है डेथ, यहीं से आता है शब्द ना मॉर्टल, मृतप्राय, मेन आर मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉरिबंड, मॉर्ग, मॉर्चुरी, राइट, पोस्टमार्टम, एंटीमार्टम, बहुत सारे शब्द। तो मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी का मतलब क्या कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद दिलाती रहे कि आप मरेंगे, वही यू मस्ट डाई। तो जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। जैसे कुछ लोग जो हैं जानवरों की स्कल रखने का बड़ा शौक होता था, मेंटल पीस के ऊपर कोई स्कल रखा हुआ है, घरों को सजाने के लिए ऐसी चीजें रखी जाती रही हैं। तो इन चीजों के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज तो रहा होगा, अब हम चाहे जिस पर्पज से लगाए। तो इस तरह की चीजें कि आपने मेंटल पीस पे जहां आग जली जली होती है इन जनरल हमारे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन में, अमेरिका के अंदर ठंड बहुत पड़ती है तो घरों में आग वाली जगह होती, फायर प्लेस जिसे कहते हैं, तो वहां पे स्कल रख दे कोई। तो ये सब प्रतीक के तौर पर रखा जाता था, ये याद कराने के लिए कि अंदर से सब वही कंकाल हैं, ऊपर से चाहे जो मांस और जो छिलके हैं तुम्हारे चमड़ियों के कलर हैं, तुम्हारा नाम, धर्म, जाति, जो तुमने अलग अलग आइडेंटिटी बना रखी है, वो सब तुम्हारी है, जो तुम्हारी ही दी हुई है, ओरिजिनली तुम वही हो। तो वो एहसास के तौर पे उसे कहा जाता है मेमेंटो मोरी, एनीथिंग व्हिच एक्ट्स एज इन रिमाइंडर दैट यू मस्ट डाई, राइट। तो चलिए आज बड़े इंटरेस्टिंग शब्दों को सीखा हमने।